बीकानेर के सिलवा गांव के पद्म स्मारक से राजस्थान कबीर यात्रा का आगाज हुआ। यह आयोजन 6 अक्टूबर तक बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में चलेगा। इसी के साथ ही एक विशेष कार्यक्रम कबीर संध्या नोखा के सिलवा स्थित पद्म स्मारक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जोधपुर हाईकोर्ट के जज मदन गोपाल व्यास, बीकानेर आईजी ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर नर्मदा वैष्णवी, चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर देवेंद्र और सीएमएचओ राजेश गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रह्मलीन संत पद्माराम कुलरिया के सुपुत्र कानाराम शंकर धर्मचंद कुलरिया और पुखराज पंकज कुलरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। पद्म स्मारक में भक्ति कविता और तंबूरा की धुनें देर रात तक गूंजती रही। ढोलक, खड़ताल, एक तारे और प्रहलाद सिंह टिपानिया की आवाज ने सभी को कबीर रंग से रंग दिया। इस वक्त बीकानेर में पद्म स्मारक में जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। कबीर वाणी का बात करते हैं कलेक्टर मैम से, बताएं क्या क्या। ये एक ट्रैवलिंग म्यूजिक फेस्टिवल है, यहाँ पर एक मौका है आम लोगों को हमारे फोक आर्टिस्ट से जोड़ने का। ये 1 से 6 तक का कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे फोक आर्टिस्ट डिफरेंट लोकेशंस में गाएंगे, तो गाँव के लोगों तक कबीर की, मीरा की और अन्य संतों की वाणी पहुँचाने का ये प्रयास है। चलिए आइए, सब बताएं आपका क्या कहना है। बहुत ही नोवेल आइडिया है और कबीर यात्रा बहुत समय से हो रही है और नोखा के इस गांव से यहां शुरुआत हो रही है, बाकी गांवों में शहरों में ये यात्रा जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी फोक आर्ट है वो हमारे गांवों तक, शहरों तक और हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंचेगी, जिससे कि उसमें जो वाणी है उससे हम सीख पाएंगे। कहीं ना कहीं माने कि कबीर यात्रा में कबीर वाणी जो गा रहे हैं, संत गा रहे हैं, डिफरेंट तरह का गाना है। अगर आप सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, मैंने तो अनुभव किया है और मुझे लगता है हमारे युवा पीढ़ियों को इसकी ज़रूरत है कि सिर्फ विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी जो फोक आर्ट है और फोक संगीत है उसमें काफ़ी क्षमता है और अगर उसमें अगर मन लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करेंगे। शंकर जी क्या कहेंगे आपके यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम एक्चुअली कबीर यात्रा जैसे अभी अनाउंसर बता रहे थे कि 2016 में चालू की थी, मेन उद्देश्य था लोगों को जोड़ने का। आज आप यहाँ देख सकते हो पद्म स्मारक में कितने लोग जुड़े हुए हैं और ये सर का पीछे सपोर्ट है, डी मैम अभी निकले हैं, उनका भी प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। उनका मेन उद्देश्य था लोगों को जोड़ने का, लेकिन यहाँ पिताजी का भी मेन वही एम था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आज देख सकते हो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं और हमारे पुरानी जो संतों की जो वाणी है आज उनको सुन रहे हैं। आज आप देख सकते थे बच्चे, 100-100 बच्चे साथ में झूम रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि कबीर वाणी पर नाच रहे हैं, मतलब हमारा फिर वो पुराना संस्कृति वापस हम लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर यात्रा और भारत सरकार तरफ वो निर्मित है और अच्छा लगे कि माननीय वो प्रोग्राम देख बचपन याद आवे कि इनमें जगह दूर दूर जगह संत लोग आया है, भारत सरकार आप पर एक परंपरा एक प्रथा ने आगे मान्यता दी है, आ एक अच्छी बात है। पहला थोड़ा आयो कि अभी यहाँ पर प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन आज देखा है कि अच्छो लगे और कबीर यात्रा होनी चाहिए, करते रहना चाहिए और ये मजा के सत्संग है, सत्संग टावर तक जावे अच्छी बात है, क्योंकि आज बच्चा मायने अपना संस्कार कम हो गया और पढ़ाई का संस्कार ज़्यादा हो गया और पढ़ाई मायने बे संस्कार आ गया जगह आप कभी हो चुकी को नहीं हो। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था आज, आज ये कबीर यात्रा एक इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य ये होता है कि हर गांव-गांव में जाओ, जो पीछे गांव रह चुके उनको संस्कृति जोड़ना चाहिए और जो गांव में लोग भूल चुके हैं उनको वापस याद दिलाना चाहिए। इसके लिए हर स्टेट से, कोई गुजरात से, कोई एमपी से, कोई मद्रास से, कोई यहाँ से, हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करने मुंबई से बीकानेर आए। यस, हमने हमारे पूरे बच्चे भी आए, यंग बच्चे आए, सारे लोग हमारे यहाँ बॉम्बे से आए स्पेशल और बच्चे इनके सब फैन है कि हमको सब प्रोग्राम आप करना हो, जाके अटेंड भी करना है और उसको मैनेज भी करना है, सारे यहाँ पे पूरे इन्वॉल्वमेंट है और ये प्रशासन के माध्यम से ये प्रोग्राम होते हैं हमारे। निश्चित रूप से माना जा सकता है बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ बीकानेर के सिलवा गाँव में। AK सिंह, A1 TV, सिलवा गाँव।